28वां क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। ए 11, बी 20 और सी 55। एलसीएम लेना है, अगर 55 का पारा नहीं आता तो एलसीएम लेने का तरीका वही है, ऐसे लिखकर किसी कॉमन संख्या से भाग दो। जैसे 11 से भाग दिया, एक आया, 20 आया, 5 आया, एक आया, 4 आया, एक आया, 55 चौका 220, तो 220, 11 में 220 तो 1 में, 20 में 220 तो 1 में, और 55 में 220 तो 1 में 4। अब इसने क्या कहा कि वे बारी बारी से, मतलब बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड इफ ए इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब एक दिन बी आएगा ए की हेल्प करने के लिए और एक दिन सी, अगले दिन बी, अगले दिन सी, अगले दिन बी, अगले दिन सी। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो मुझे पता चला, तो अगर ए बी, ए और बी आएगा तो 20 और 11 टोटल कितना हो जाएगा, और अगली बार 20 और 4 टोटल कितना हो जाएगा। अल्टरनेट सिर्फ बी और सी पे लगेगा क्योंकि ए को तो रोज आना पड़ेगा, तभी तो ए की सहायता होगी, और जहां से प्रोसेस रिपीट हो रहा है उसको छोड़। बात क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं कहूं एक और एक दो दिन हो गए और दो दिन में काम कितना हो गया 55, दो दिन में काम कितना हो गया 55, करना कितना है 220, करना है 220, कितने गुणा, तो इसका भी 4 दूनी 29 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। गंगा और जमुना 8 घंटे और 12 घंटे में किसी काम को कर सकते हैं। गंगा 8 घंटे में, जमुना 12 घंटे में, ये 8 है, ये 12 है, तो एलसीएम आ जाएगा 24। 8 घंटे में 24 तो 1 घंटे में, और 12 घंटे में 24 है तो 1 घंटे में। गंगे बारी बारी से एक एक घंटा काम करते हैं और गंगा काम शुरू करे, और गंगा 1 घंटे में कितना काम थी, और जमुना 1 घंटे में कितना काम, तो 2 घंटे में कितना काम, अगले 2 घंटे में फिर 5, अगले 2 घंटे में फिर 5, करना कितना है 24। तो ये क्या पूरा पूरा भाग तो जा ही नहीं रहा, तो 5 चौका 20, तो इसका भी 4 गुणा। आठ घंटे में 20 हो गया और अब 9th आवर आएगा, और 9वें घंटे, अब 4 पेयर पूरे हैं। अब पेयर की शुरुआत कौन करेगा, गंगा।
तो इसका मतलब 23 काम हो गई। तो अब अगर मैं कहूं कि 9 घंटे तो कंप्लीट और 20 और 3 टोटल कितने हो गए 23, और अगर ये 23 हो गए तो 24 में से 23 गया तो बचा कितना एक, और जिसकी बारी है उसका टोटल वर्क है नीचे, क्योंकि 3 के बाद तो बारी किसकी है 2 की। तो यहां तक काम पूरा हो गया 9.5 घंटे। अब यहां तक तो पिछले क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्वेश्चन एक कदम एक्स्ट्रा ले आया। इसने स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, स्टार्टिंग टाइम दे रखा है मतलब 9 बजे शुरू हुआ है भैया, और अगर 9 बजे में 9.5 घंटे और जोड़ दो, 9 बजे में 9.5 घंटे और जोड़ दिया तो इसका मतलब कितने बचेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, और सी उसी काम को 60 दिन में। ये 20 दिन, ये 30 दिन, ये 60 दिन। 60 20 दिन में 60 तो 1 दिन में 3, और 30 दिन में 60 तो 1 दिन में 2, और 60 दिन में 60 है तो 1 दिन में 1। एक कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करने के लिए आएंगे। कहीं पर भी एकांतर वर्ड का यूज किया है, अल्टरनेट यूज किया है, इसका मतलब तीसरे दिन दोनों इकट्ठे आएंगे। ए पहले दिन करेगा, बी दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन कौन कौन करेंगे भाई? अब चौथे दिन फिर ए करेगा, पांचवे दिन ए करेगा, छठे दिन कौन कौन करेंगे? अब प्रोसेस जहां से रिपीट हो रहा है इसको छोड़ दो। तो ए एक दिन में करेगा, ए भी एक दिन में करेगा, तीन का 3 × 2 = 5 और एक, तो 3 दिनों के अंदर कितना काम हो गया 12। 3 दिनों में काम हो गया 12, करना कितना है भैया 60। 12 में 60 तो 1 में, और 1 में 5 है तो 3 × 5, 3 × 5 तो कितना हो जाएगा 15। क्या बात क्लियर होगी सभी को? आओ इससे अगला 31 नंबर। सेल्फ करो, सब कुछ बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ बता रखा है, सेल्फ ट्राई करिएगा।
बारह, सोलह, चौबीस, बत्तीस। आठ अब इसने स्पष्ट कहा, पहले दिन ए बी, ए सी, ए डी, ए बी करेगा तो 14, ए सी करेगा 12, ए डी करेगा 11, तो तीन दिनों के अंदर सेवंस। सैतीस दूनी 74, इसका भी छह दिनों के अंदर 74। अब आएगा सातवां दिन, सेवंथ डे, सातवें दिन कौन काम करेगा? 14 वाला, क्योंकि पेयर पूरे होने के बाद तो वही से, तो सात दिन कंप्लीट भाई, 74 में 14 जोड़ दिया तो 88 हो गया, तो 96 माइनस 88 आठ बच गया, जितना रिमेनिंग बच गया वो ऊपर, और जिसकी बारी है अब 14 के बाद बारी किसकी है, 14 के बाद बारी किसकी है, 12 थी तो ये 12 से कट गया, तो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो 7 21 और 2 23 बटा 3, नोट करो इसी बात। चलो जी फिर आज करते हैं यहीं तक, कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल टेस्ट नहीं है, आराम से अपना फुल एंजॉय करो, फुल टेस्ट। अब कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे कि टेस्ट तो वैसे ही नहीं देने आते सर आगे, है ना, लेकिन फिर भी आप कल टेस्ट नहीं है, अपना फुल एंजॉय।